नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में घोषित हुआ है। इसमें हरियाणा से 24 छात्र छात्राओं ने परीक्षा पास की है। इसी कड़ी में फरीदाबाद की रहने वाली महक जैन ने यूपीएससी परीक्षा में 17वां रैंक लाकर देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। महक जैन को बधाई देने के लिए आज तेगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर उनके घर पहुंचे। विधायक राजेश नागर ने गुलदस्ता देकर महक जैन को यूपीएससी परीक्षा में पास होने और देश भर में 17वीं रैंक लाने पर बधाई दी। साथ ही साथ विधायक राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। विधायक राजेश नागर ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद की यूपीएससी परीक्षा में 17वीं रैंक लाकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली फरीदाबाद की बिटिया महक जैन के निवास स्थान का है, जहां पर तेगांव से भाजपा के विधायक राजेश नागर महक जैन को यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई देने पहुंचे। विधायक राजेश नागर ने महक जैन को गुलदस्ता देकर उसको बधाई दी और आगे भी महक जैन के उज्जवल भविष्य की कामना की। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है और परीक्षा पास किया, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम महक जैन है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल की है और ये बहुत ही खुशी का मौका है। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, काफी सालों की मेहनत के बाद ये दिन आया है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कितने अटेम्प्ट में पास किए परीक्षा? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, पर इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में इंटरव्यू के लिए तीनों स्टेजेस क्लियर की है। इस कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ मान लिया जाता है? इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ही देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी डीमोटिवेटेड फील करती थी, जब भी पहले पास नहीं हो पाया, तो उन्होंने हमेशा मुझे आत्मविश्वास दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ, और निरंतर प्रयासों के बाद आज। उन छात्रों को क्या कहना चाहिए जो अभी भी फिलहाल इस में लगे हुए हैं? उन छात्रों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि अपनी मेहनत पर, अपने आप पर विश्वास रखें। अगर कई बार रिजल्ट्स हमारे थोड़े डिलेड आते हैं, बट हमें अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखने चाहिए। ऑनेस्ट एफर्ट्स का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। सर, महक जैन को बधाई देने पहुंचे हैं, क्या कुछ था? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी इस बच्ची ने हमारे शहर का नाम रोशन किया, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया, और इसने जो 17th रैंक जो ली है, इसके लिए इसको इनको बहुत बहुत बधाई। लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, सरकार की मुहिम भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक सार्थक चल रही है? इसमें हमारी केंद्र सरकार भी हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारी प्रदेश सरकार भी हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बहुत कर रही है, और ये आगे भी हमारी सरकार, हमारी जो बच्चियाँ आगे बढ़े पढ़े, और ऐसे ही हमारे नाम, देश का नाम, हमारे प्रदेश का नाम और शहर का नाम रोशन करें, यही हम चाहते हैं। कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी हरियाणा की बच्चों की तारीफ की थी, खिलाड़ियों में भी आ गए हैं, पढ़ाई में भी आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखो, ये तो पहले से ही होता आया है। जब भी आप कोई भी खेल देखेंगे, ओलंपिक्स देखेंगे, एशियन गेम्स देखेंगे, वर्ल्ड मीट देखेंगे, तो उसमें हमारे जो ज़्यादातर बच्चे जो मेडल जीत कर लाते हैं प्लेयर्स, तो 1/3 जो शेयर होता है वो हमारी हरियाणा का ही होता है। तो ये पहले से ही हमारे यहाँ चलता आ रहा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारे देश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। महक जैन को भविष्य की क्या शुभकामनाएं? बहुत 17th रैंक लेना एक कोई आसान बात नहीं है, और 3rd अटेम्प्ट में ही लेना, और अभी बच्ची की उम्र भी कुछ नहीं है, और आगे बहुत ऊंचाइयों को, बहुत तरक्की करेगी। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, देश का भविष्य है, लेकिन किसी कारण बस अभी भी परीक्षा पास नहीं हो पा रही है, वो आगे मेहनत करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।